অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ক্রমাত বিজেপির রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের নেতা পরিণত হয়েছে। আজিকালি হিমন্ত বিশ্ব শর্মার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সভা সমিতি কভারেজ করে রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম। আজি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ব্যস্ত থাকে ছত্তিশগড়। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন সরকারখনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসে বারে বারে অভিযোগ উত্থাপন করে কয় যে বিদ্যালয়তকে অসমত সুরার বিপণী অধিক খুলিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। গাঁয়ে ভূঁয়ে সুরার বিপণী খুলি দিছে এইজন মুখ্যমন্ত্রী। অথচ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ছত্তিশগড়ত নির্বাচনী প্রচার চলাবলে গিয়ে কংগ্রেস সরকারক সমালোচনা করে সুরার বিপণী বন্ধ নকরার বাবে। ये लोग बाबर का है, ये लोग कभी प्रभु श्री राम का नहीं है। जो लोग प्रभु श्री राम का है वो वादा निभाता है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि हम राम मंदिर बनाएगा, 370 धारा हम हटाएगा। हर वादा जो जनता को दिया, हर वादा नरेंद्र मोदी जी ने निभाया। भूपेश बघेल जी ने क्या किया कि हम दारू बंद करेगा, लेकिन आज भूपेश बघेल जी का नाम पूरा देश में जानते हैं कि दारू बिकने का वो सरदार बन चुका है, वो दारू का सरदार बन चुका है। जो व्यक्ति ने वादा किया था मेरा माँ का सामने, मेरा बेटियों का सामने कि मैं दारू को बंद करूंगा, आज क्या किया, हर जगह में दारू का ठीका लगा दिया। और दारू का ठीका कौन चलाता है? ये कांग्रेस का दलाल लोग चलाता है। वही कांग्रेस का दलाल लोग आज माल कमा रहा है। वादा वादा का जगह में चला गया, वादा का कुछ काम नहीं। ছত্তিশগড়ৰ এই সভাত অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অসমত কেইদৰে নিযুক্তি দিয়া হল সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় লগতে ধর্মনিরপেক্ষতাক লৈ কংগ্রেসক প্রশ্ন উত্থাপন করে। सेकुलरिज्म का बात मत सिखाओ। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप राम मंदिर को तोड़ के आप बाबर का नाम में मस्जिद बनाएगा, इसको सेकुलरिज्म नहीं बोलता है। भाई और बहनों, जो भी संविधान का विशेषज्ञ है आप बुला के ले आइए, हम बात करेगा। क्या धर्मांतरण को क्या सेकुलरिज्म बोलते हैं? हमारा देश में राम का निशाना मिटा देगा, हमारा आदिवासियों को जुल जुलूम करके धर्मांतरण करना, और हमारा ये माता कौशल्या का भूमि कोई अकबर के हाथ में दे देना, ये सेकुलरिज्म नहीं बोलते हैं। और इसका कोई सेकुलरिज्म हम मानने के लिए तैयार भी नहीं। हमारा सब सेकुलरिज्म बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिया है। हमारा सेकुलरिज्म हिंदू का सभ्यता ने हमें सेकुलरिज्म दिया है। हम सेकुलरिज्म का मतलब जानता हूं। सेकुलरिज्म का मतलब लाभ जिहाद नहीं, सेकुलरिज्म का मतलब लाभ जिहाद नहीं हो सकता है। मैं असम में जब जाता हूं, मैं असम में गांव गांव में मुसलमान लड़का को बोलता हूं, देखो मुसलमान लड़कियों लोग गुली है, खूबसूरत है, विद्वान है, आप मुसलमान लड़की को शादी करो तब वो भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेगा। आपका जरूरत नहीं है आप जाके कोई हिंदू का लड़की को फुसला फासला के शादी करवाने का, वो जरूरत नहीं है। मुसलमान लड़की लोग हैं, मुसलमान में भी लड़की, आप मुसलमान लड़कियों को शादी कीजिए। अगर आप हिंदू को शादी करेगा तो मुसलमान लड़कियों को कौन शादी करेगा? आपको ही तो करना पड़ेगा। आज हम देश में ये भी बोल रहा हूँ, असम में और पूरा देश में हम बोल रहा हूँ, भाई अगर हम सेकुलरिज्म है तो मुसलमान क्यों तीन तीन शादी करता है, क्यों चार चार शादी करता है? तो अभी हम दिसंबर में असम में कानून बनाने जा रहा हूँ कि हर मुसलमान और हिंदू हो एक ही शादी करेगा, दो शादी करने का कोई इजाजत नहीं होगा, कोई इजाजत नहीं होगा। हमारा कांग्रेस वाला लोग बोल रहे कैसे करेगा हिमंत जी, हम बोला दिसंबर का टीवी देखो, अखबार देखो, जैसे हम बोला है ऐसे करके दिखाई देगा। आपके लिए हम रुकता नहीं। थोड़ा दिन पहले राजस्थान में गया था,
कन्हैया लाल था वो समय उनको सर्तन जुदा किया। अशोक गहलोत जी ने कुछ नहीं किया। हम राजस्थान में बोल के आया था, यहां अगर असम में किसी का सर्तन जुदा होता था मैं 5 मिनट में उनका हिसाब बराबर कर देता। और ये मेरा वाला बात नहीं है, ये हम वाला बात है। मतलब जहां भी बीजेपी का सरकार है कोई सर्तन जुदा करेगा तो हमारा बीजेपी का सरकार भी 5 मिनट में हिसाब बराबर कर देगा। लेकिन कांग्रेस वाला कुछ नहीं कहता, बोला ये सेकुलरिज्म है। अरे हिंदू को लूटने के लिए सेकुलरिज्म है क्या? देश में हिंदू को लूटने के लिए सेकुलरिज्म है क्या? बराबर बात सेकुलरिज्म होता है, लूटने वाला बात सेकुलरिज्म नहीं होता है।